प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले शिरडी के साईं बाबा का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नजर आए। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैल भी उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने मंदिर के बाहर मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन किया। कॉम्प्लेक्स की आधारशिला पीएम मोदी ने अक्टूबर 2018 में रखी थी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत की तथा महाराष्ट्र में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ की आधारशिला भी रखी। इसके बाद पीएम मोदी गोवा का दौरा करेंगे, जहां पहली बार आयोजित किए जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों का वह उद्घाटन भी करेंगे। साईं बाबा शिरडी में मौजूद साईं बाबा के मंदिर से की है प्रधानमंत्री। मंदिर परिसर में मौजूद हैं, मंदिर परिसर में पूजा दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। वह मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। शिरडी महाराष्ट्र के मशहूर धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हम जानते हैं कि गुरुवार का दिन शिरडी के साईं बाबा का दिन कहा जाता है और आज इस शुभ दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं बाबा मंदिर पहुँचे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। इस मंदिर की प्रसिद्धि सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाबा का दर्शन करने लोग विदेशों से भी आते हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आज शिरडी और शिरडी के आसपास के इलाकों के लिए बेहद अहम दिन है। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद जिस तरह से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। देखिए ऋतु, आज शिरडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज यहाँ कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो इस इलाके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ की जनता को सौंपने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी तस्वीरों के माध्यम से देखा कि प्रधानमंत्री आज श्री बाई बाबा जो संस्थान ट्रस्ट है वहां पर आए और यहाँ साईं बाबा के दर्शन उन्होंने किए, पूजा अर्चना की। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा साईं बाबा ट्रस्ट के लिए आज दिन है वो इसलिए है क्योंकि इस परिसर का जो नवनिर्माण हुआ है, जो एक नई इमारत बनकर तैयारी हुई है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद रहा है ऋतु वो ये रहा है कि यहाँ पर जो दर्शालु हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या कई ऐसे अवसरों पर बढ़ती है जैसे रामनवमी का दिन है या बृहस्पतिवार के दिन है, यहाँ पर काफी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को जो सड़कों पर जो लंबी लंबी लाइन लगती हैं उन पर ना लगना पड़े, यहाँ पर वातानुकूलित एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लोग वहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। तो आज श्रद्धालुओं को एक सबसे बड़ी सौगात इस नई इमारत के रूप में मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री यहीं पर जो शिरडी गांव के जो बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए एक शिक्षण संस्थान भी यहां लगातार चल रहा है, उसके लिए भी एक नए कॉम्प्लेक्स, एक नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, धार्मिक पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलता है तो हम जानते हैं कि उस इलाके के अंदर डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जब भी किसी सरकारी परियोजनाओं को उस इलाके के लेकर जाते हैं तो हमने इस बात को देखा है कि जो वहां के जो धार्मिक जो मंदिर हैं
उनका वो एक तरीके से पुनर्निर्माण लगातार कराते रहे हैं और शिरडी साई बाबा मंदिर का भी यहाँ पर नए कॉम्प्लेक्स बने हैं। तो निश्चित तौर पर जब श्रद्धालुओं की संख्या किसी इलाके के बढ़ती है तो उस इलाके का विकास होता है, पर्यटन बढ़ता है तो उस इलाके के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलती है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही लक्ष्य रहा है, चाहे वो देश के कोने कोने का कोई भी हिस्सा हो। तो आज हम कह सकते हैं शिरडी और शिरडी जिले के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। जो ग्रामीण इलाके हैं उनको सड़कों से जोड़ने की परियोजनाएं हैं किसानों के लिए। एक इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वो एक डैम है उसका आज भूमि पूजन होगा और वहीं से जो एक कैनाल है नहर है उसका उद्घाटन होगा। इससे वहां के जो हजारों लाखों किसान हैं उनको सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिलेगी और कुछ तो ऐसे भी इलाके हैं गाँव हैं जहां तक पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, आज वो पानी की पीने की अच्छी व्यवस्था वहां के लोगों को मिलने जा रही है। रेल यातायात की बात करें उसमें भी एक नई लाइन का उद्घाटन होगा और हम तो रितु इस बात को जानते हैं कि पहले शिरडी में अगर कोई लोग रेल से आता था तो उसको यहां से 30 किलोमीटर के आसपास दूर उतरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, सीधे रेल शिरडी के अंदर आती है। हवाई मार्ग की बात करें तो पहले औरंगाबाद कई सौ किलोमीटर दूर हवाई अड्डा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब लगातार पिछले कई वर्षों से यहां पर हवाई अड्डा भी चल रहा है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इलाके का विकास करना, ये एक सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और जिसके गवाह आज यहाँ की जनता एक बार फिर से बनने जा रही है। ऋतु जी, अनुज बिल्कुल सही आपने कहा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है और जिसके कई ऐसे उदाहरण देश के सामने हैं। अगर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात करें, महाकाल कॉरिडोर की बात करें, तो ये तमाम वो स्थल रहे हैं, पूजा के स्थल रहे हैं, धार्मिक स्थल रहे हैं जिनका एक तरह से एक नव निर्माण किया गया है और श्रद्धालुओं को आने वाले तमाम भक्तों को किसी तरह की समस्या ना हो इसको ध्यान में रखा गया है। और इसी लिहाज से देखा जाता है अनुज की जिस तरह से शिरडी में भी नया दर्शन कतार परिसर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला रखी थी और आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का लगातार जो कहना है कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हुई, जिनका शिलान्यास हुआ और उनका उद्घाटन भी उन्हीं के कार्यकाल में होता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि नीलवन बांध जिसकी बात हो रही है जिसे लेकर भी आज एक पूरी नहर के नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद करेंगे। कितना सालों तक लोगों को इन गांवों को, करीब 180 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा है। बिल्कुल रितु, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद जब लोगों को सुविधाएं मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए, उनके इलाके के लिए एक नया जन्म होता है, हम इस बात को कह सकते हैं। और पीने के पानी की व्यवस्था तो ऐसी बात है जो जीवन के लिए एक आधारभूत जरूरत है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे घर घर जल नल की बात चलाई हो, सिंचाई की व्यवस्था की बात की हो, ये इस तरह की बातें हैं जो प्रधानमंत्री सीधे जो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो निचले पायदान के लोग हैं उनकी बातों को जब प्रधानमंत्री लगातार उनके इलाकों तक पहुंचाते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी बात होती है। निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र के ऐसे इलाके हैं, हमने तो ऋतु ऐसे भी दिन देखे हैं जब महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ ही नहीं बाकी कुछ ऐसे भी इलाके हुआ करते थे जहां पानी की पीने की समस्याएं मीडिया की हेडलाइन बना करती थी, अखबारों की हेडलाइन बना करती थी, किसान के लिए सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ये सिर्फ अब महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के गांवों तक, अलग अलग इलाकों तक, तहसील ब्लॉक स्तर तक, गांवों तक अब ये सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं और आज इस वजह से हम इस बात को कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को लोग जो सुनने के लिए और देखने के लिए जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं वो एक विश्वास के साथ आते हैं, उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि यहाँ आज देश के प्रधानमंत्री नहीं आ रही हैं बल्कि उनकी आशाएं और उनका जो विश्वास था वो यहाँ तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर ऋतु आज प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र के इस इलाके में है तो हमने शिरडी साईं बाबा का जो बाहर का परिसर है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए खड़े थे। अभी वो डैम जो भूमि पूजन करेंगे वहां जाएंगे और एक
तीन बजे के आसपास एक बड़ी लाखों की जनसंख्या की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी अनुज, क्योंकि आप अनुज वहां पे मौजूद हैं, नया दर्शन कतार परिसर है, ये किस तरह से श्रद्धालुओं को और ज्यादा सुविधा देगा, क्योंकि कई ऐसी सुविधाएं इसमें शामिल की गई हैं जो आज अत्याधुनिक तौर पर यानी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं। हम इसलिए भी बताना चाहते हैं क्योंकि शिरडी के साईं बाबा के श्रद्धालु सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, विदेशों से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो लोगों को ये पता चले कि किस तरह से शिरडी का साईं बाबा मंदिर अब आने वाले समय में पूरी तरह बदल जाएगा इस नए परिसर के जुड़ने के साथ। देखिए ऋतु, इस बात के तो हम भी गवाह हैं कि जब आज से अगर हम 10 साल पहले यहाँ पर आए थे, या आप लोग आए होंगे, बाकी दर्शक लोग जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर आए होंगे, तो उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। हम जानते हैं कि जो श्रद्धालु जब आते हैं और बड़ी लाइनें लगती हैं, तो सड़क के किनारे ही जो है संस्थान ने शेड्स बनाए हुए हैं ताकि लोग उन शेड्स के अंदर बारिश और पानी से बचते हुए यहाँ पर आए, धूप से बचते हुए आए, लेकिन वो काफी नहीं होता है। हम जानते हैं कि इस इलाके के अंदर 12 महीने ज्यादातर जो तापमान है वो गर्म रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो नया कॉम्प्लेक्स बना है वो पूरी तरीके से ऋतु वातानुकूलित है, पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है, और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को अब लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वो वहाँ अपनी बारी का आराम से विश्राम कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, और वहाँ पे बकायदा वहाँ पे एक तरीके से बोर्ड लगाए गए हैं और उसमें ये सारी चीजें वहाँ दिखाई देती हैं, LED दिखाई देती है कि आप कितनी देर में आपका नंबर आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है पीने के पानी की वहाँ व्यवस्था है, बच्चे अगर वहाँ हैं तो बच्चों के लिए एक अलग से इलाका है जो बच्चे वहाँ पर अपना विश्राम कर सकते हैं, तो बैठने की बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। तो जो आज के समय में की जरूरतें हैं, जब भी देखिए कोई भी नव निर्माण किसी परिसर का होता है तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि आज की जो जरूरतें हैं उस जरूरत के हिसाब से वो नव निर्माण हो, और ये जो परिसर के अंदर नव निर्माण हुआ है, चाहे वो शिक्षण संस्थान का कॉम्प्लेक्स हो या ये जो लंबी कतारें हैं उन श्रद्धालुओं के लिए हो, तो निश्चित तौर पर ये काफी राहत और सुकून श्रद्धालुओं को देगा। हम तो आज सुबह जब ऋतु श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आज से जब 5 साल पहले आए थे उसके बाद से पूरा नजारा बदला हुआ है। हम जानते हैं कि जब यहाँ पर जो 100वां शताब्दी वा जो समाधि जो उपलक्ष्य यहाँ पर मनाया गया था, उत्सव यहाँ पर मनाया गया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वर्ष 2018 में यहाँ पर आए थे और ये जो नए कॉम्प्लेक्स बने हैं इनका भूमि पूजन उन्होंने किया था। आज 5 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री उनका उद्घाटन कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर सरकारों की नीति और नियत अच्छी हो, जन सेवकों की नीति और नियत अच्छी हो, तो समयबद्ध तरीके से किस तरीके से कार्य किया जा सकता है। इस चर्चा की हमने जो है यहाँ पर हमने बातें सुनी है, लोग इस बात की चर्चाएं कर रहे थे, और आपने जिस तरीके से कहा सिर्फ भारत वर्ष से नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं।